बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड संक्रमण के दौरान किस कदर लापरवाही का दौर चल रहा है, इसकी बानगी उस वक्त सामने आई जब अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 55 वर्षीय मरीज एकाएक लापता हो गया, जिसके बाद मामले में भर्ती मरीज के परिजनों ने बीएमसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा उसके खिलाफ मोर्चा खोल गुमशुदा परिजन की तलाश के लिए थाना पुलिस से गुहार लगा मदद मांगी जा रही है। जहां मामले में मेडिकल प्रबंधन मरीज के कुछ दिनों पूर्व ही डिस्चार्ज किए जाने की बात कह अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहा है, तो वहीं पुलिस मिली शिकायत पर मामले में तफ्तीश कर जानकारी जुटाने में लग गई है। गोपालगंज थाना की दहलीज पर हैरान परेशान खड़े दिख रहे हैं सभी लोग। शास्त्री वार्ड निवासी जैन परिवार के सदस्य हैं, जिनका आरोप है कि उनके परिवार के सदस्य मुन्नालाल जैन को निमोनिया की शिकायत पर बीएमसी में 14 तारीख को एडमिट किया गया, जहां उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। चूंकि इस समय अस्पताल में कोविड के तहत मरीजों का उपचार चल रहा है, उनके परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। जहां रोज परिवार का एक सदस्य बीएमसी परिसर के बाहर रहकर उनको खाने पीने का सामान भेज सेहत की जानकारी लेता रहा, जहां प्रबंधन द्वारा उनके इलाजरत होने की जानकारी दी जा रही थी। इसी बीच 18 अप्रैल को जब परिजन ने फोन पर उनकी संपर्क कर हालचाल जाना तो फोन लगाया तो उनका फोन बंद जाने लगा, जहां मामले में हेल्प डेस्क सेहत प्रबंधन से मरीज की जानकारी ली तो उनका उपचार जारी होने की बात सामने आई। बात नहीं हो सकी, जहां आज फिर जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई जानकारी नहीं लगी, जिसके बाद जिद कर परिजन वार्ड के अंदर पहुंच गए, जहां उसे भर्ती वार्ड में मुन्नालाल नहीं मिले। जब इस संबंध में वहां मौजूद प्रबंधन और स्टाफ से जानकारी ली तो अब वह मरीज के 19 तारीख को डिस्चार्ज की बात कर गुमराह कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यदि मरीज डिस्चार्ज हुआ है तो परिजनों को सूचित क्यों नहीं किया। ऐसे में बने हालात पर जब मामले को प्रबंधन से कोई उचित जवाब नहीं मिला तो परेशान परिजनों ने बीएमसी की लापरवाही पर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए। गुमशुदा मुन्नालाल के सलामती के लिए खोजबीन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस मामले में फिलहाल पुलिस और प्रबंधन दोनों ही कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जिस तरह की लापरवाही बीएमसी से सामने आई वह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर लापता मरीज के परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। जहां वह मामले में प्रबंधन की जवाबदेही से किनारा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की आवाज भी उठा। पुलिस सहित जिम्मेदार प्रशासन से इंसाफ मांग लापता मरीज की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा अंशुल जैन नाम है। किस संबंध में आप यहाँ थाने आए हुए थे? हमारे पापा जी मुन्नालाल जैन, उम्र 55 साल, बीएमसी के वार्ड नंबर 8 में पलंग नंबर 6 पर हमने 14 तारीख की रात में एडमिट किया था। उसके बाद डेली हमारा पानी की बोतल वगैरह ये सब दे रहे थे। उसके बाद कंटिन्यू 18 तारीख के सुबह से उनका मोबाइल बंद जा रहा है, और मोबाइल बंद होने के बाद कोई जानकारी नहीं मिली है। तो हम वो पानी वगैरह देने रोज़ जाते हैं, तो उसके बाद हॉस्पिटल से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और बीएमसी से अभी रिपोर्ट अभी आज जब हमने एकदम ज़बरदस्ती की, 2-3 बार अंदर गए, उसके बाद उन्होंने बताया कि 19 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो ये आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको डिस्चार्ज कर दिया था, घर नहीं पहुँचे क्या? अभी घर नहीं पहुँचे हैं। 19 तारीख से अभी तक कोई 19 के 18 तारीख से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बीएमसी में हम सब जगह पूछते थे लेकिन कोई जानकारी नहीं दे रहा। तो आपको क्या लग रहा है? हमें यही लापरवाही थोड़ी सी। तो आप इसमें किसकी लापरवाही मान सकते हैं? सबकी, गवर्नमेंट की लापरवाही, सबकी लापरवाही। यदि पेशेंट वहाँ से यदि पेशेंट निकला, डिस्चार्ज किया गया, तो परिजन को फ़ोन क्यों नहीं लगाया गया? परिजन को फ़ोन नहीं लगाया गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन परिजन को एक बार इन्फॉर्म तो करते कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा है, पता तो चले कम से कम। परिजन बाहर रोज़ हम सुबह जाते हैं 6 बजे, शाम को 6 बजे घर पर पहुँचते हैं 5:30-6 बजे। अब पूरे दिन वहाँ रुकने पर भी यदि हमें अपने पेशेंट की जानकारी नहीं मिले, कल हम पूरे दिन परेशान हुए, परसों पूरे दिन परेशान हुए, 6-6 बजे घर पर जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिले, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बीएमसी, गवर्नमेंट या फिर सब? क्या शिकायत थी आपकी पिताजी को? पिताजी को वो सीटी स्कैन में 8 out of 25 आया था निमोनिया की लेवल पे, फिर वो कोविड की शिकायत मतलब लक्षण बता रहे थे, तो उस लेवल पे एडमिट किया था 14 तारीख की रात में 7:45 बजे 7:45 पर। फिर आपकी संपर्क कब से नहीं हुआ? संपर्क नहीं है 18 तारीख के सुबह से।
मोबाइल बंद हो गया था उनका, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। बीएमसी में सब जगह पूछते, पूरे डेस्क हेल्प डेस्क वगैरह सब जगह हेल्प केयर जितने भी जगह हैं सब जगह पूछते जानकारी लिखा, तो वो कहते लिखा दो अभी दे देंगे जानकारी, लिखा दो अभी दे देंगे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती। परसों भी 19 तारीख को भी हमने दिन में वो एमएलए सर ने बाहर हेल्प डेस्क बनवाई है उस पर भी हमने एंट्री कराई थी, उस पर एंट्री कराने के बाद भी उनने कार्रवाई नहीं की ना, बोले हम शाम को सब बता देंगे, शाम को कुछ नहीं बताया, शाम को क्या अभी तक कुछ नहीं पता। अभी जब हम अंदर ज़बरदस्ती चले गए बाढ़ में जहाँ कोविड वार्ड में जहाँ पेशेंट किसी को नहीं जाने देते, हम ज़बरदस्ती हमने कहा परिजन का पता तो चले, 5 दिन से कोई जानकारी नहीं है कैसे मतलब कुछ हो रहा है, तो तब हम अंदर चले गए तब उनने बताया कि जी 19 तारीख को डिस्चार्ज हो गया। ऐसा होता है क्या, पहले परिजन को फ़ोन लगाओ ना, बताओ परिजनों को कि तो आपको क्या लग रहा है आपके पिताजी कहाँ गए हैं। हमें कोई जानकारी नहीं है, बस सब जिस गवर्नमेंट और बीएमसी जाने उन दो ही जिम्मेदार। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं हमारे पिताजी घर वापस आ जाएं, कैसे भी आए, वो गवर्नमेंट जाने या बीएमसी जाने।